आज कुछ गाड़ी का प्रॉब्लम है, नहीं ओला उबेर का कुछ स्ट्राइक है, बता चल रहा है। आई केम हियर ऑन ए रॉन्ग डे, तो मेरा आधा दिन पड़ा है, 2 बजे आया, लेकिन उन्हें देखने का जो इंटरेस्ट था पता नहीं हो नहीं पाएगा शायद आज। फिर देखने को मुझे तो पता नहीं पुणे में है क्या यही प्रॉब्लम है। घूमना हो तो आपको शनिवार वाड़ा है, कुछ मालूम नहीं है मुझे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, तो मैं पुणे आ चुका हूँ। क्राउन प्लाजा होटल के एड्रेस ढूंढने में पता नहीं क्यों कुछ डिफिकल्टी हुई। ये अच्छा लगा, आप यहाँ पे चेयर पे बैठ के जिंदगी के आनंद उठा सकते हैं। थोड़ा सा रेस्ट लेके अभी निकलते हैं पुणे शहर देखने। पहले कहाँ है रजनीश आश्रम? रजनीश आश्रम ओशो 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 अलाउड नहीं करते ना तुम्हें? हाँ, उन्होंने बताया कि अंदर जाने नहीं देंगे। मैं ऐसे ही फिर कब आऊंगा नहीं आऊंगा, एक बार पिक्चर लेके चले आए। मेडिटेशन सेंटर है सर। यही है क्या? कहाँ से जाओ, एक चक्कर लगा के आ जाओ। तो मेरे पीछे का जो एरिया है वो है दोनों साइड में रास्ते का रजनीश ओशो का आश्रम। अभी बेसिकली वो मेडिटेशन सेंटर है। ये अभी मेडिटेशन सेंटर हो गया, यहाँ पे बात नहीं करते। वेलकम सेंटर है। अभी यू नीड रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर करना पड़ता है पहले। वहाँ पे आपको रूम लेना पड़ेगा, पहले रिजर्व करके एक रूम लेना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, सुबह से रात तक प्रोग्राम रहना। जस्ट वॉकिंग नहीं कर सकते। करके आया, इसका पेपर भी ले लिया मैं। अब इसको इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट बोलते हैं। ये है फोन नंबर्स। ओपनिंग आवर्स 9 to 1, 2 to 4। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज पॉसिबल एट वेलकम सेंटर। डेली एंट्रेंस पे 970, नेशनल का इंटरनेशनल का 1970। वर्चुअल टूर कर सकते हैं यहाँ पे। ये इनलैक्स हॉस्पिटल, ये थोड़ा सा फेमस सेमी फेमस हॉस्पिटल है, पहले अप्लाई भी कर चुका था कभी। ये हॉस्पिटल के एम्बुलेंस, ये कैंसर सेंटर भी है। और किसी ने कहा कि हॉस्पिटल के अंदर एक कैंटीन है, वहाँ पे आप बेसिक खाना खा सकते हैं। देखिए लंच भी नहीं हुआ है, लेकिन ये देखिए कितना अच्छा है, सालों से पुराना, किसका घर है पता नहीं। शांति चारों तरफ। ही मालवत्ता बिक्री साठी नाही। कुछ साधु जैसे लोग क्रॉस कर रहे हैं अपने ड्रेस में। तो ये है रोड साइन पुणे महानगर पालिका की, कोरेगांव पार्क लेन 1। इनलैक्स एंड गोधरानी हॉस्पिटल भी है, ओशो इंटरनेशनल आश्रम भी है। इसमें पहले हॉस्पिटल, उसके बाद आश्रम। ये है रेलवे कॉलोनी। मुझे बताया गया है यहाँ से लेफ्ट साइड में टर्न लेने के बाद एक लेन 2 में एक गार्डन है जो फ्री है, मेडिटेशन का गार्डन। आप स्ट्राइक में हैं, पॉसिबल नहीं है कहीं जाना। श्री संत गाड़गे महाराज विद्यालय, स्कूल मैच चल रहा है, स्पोर्ट्स हो रहा है, कितना पुराना यादें आती है। यह है लेन 2, यहाँ पे ओशो गार्डन है। देखते हैं गार्डन में कैसा लगता है। कितने पुराने पेड़ हैं यहाँ पे, मतलब ट्रेडिशनली ये सीरीन पीसफुल एरिया है, बट दिस इज द वे ऑफ लाइफ। तो हमारे लिए ग्रीन, अगर प्योर ग्रीन होता, क्लीन ग्रीन होता, अच्छा होता, लेकिन ये ब्राउन ग्रीन हो गया है। पता नहीं कौन है, बड़ा कोई होगा। यहाँ से गाड़ी जाते जाते ठोकर खा सकता है, रास्ते के ऊपर आ गया ऑलमोस्ट। साइरस मिस्त्री जो फेमस थे, पलोन जी शपूर जी मिस्त्री, उनका बजाज का बंगलो, बहुत पॉश एरिया है समझ आ गया है।
फोर्ब्स दोनों साइड है, फ्री ऐसे अंदर जा सकते हैं। फोटोग्राफी वीडियो फिल्मिंग आर नॉट अलाउड। 6 to 9, 3 to 6, डू नॉट स्पीक लाउडली और शाउट। फोटोग्राफी तो करना ही पड़ेगा। बेसिकली यंग कपल्स जो जगह ढूंढते हैं वो यहीं पे। इसका फोटोग्राफी नॉट अलाउड होता है, क्या मतलब क्या है? पानी एकदम गंदा है उसमें। पार्ले जी बिस्किट रास्ते की ऑपोजिट साइड के गार्डन सिमिलर है, उस तरफ नहीं जा रहे हैं। इधर से अगर हो सके तो निकल जाने का रास्ता ढूंढेंगे। अच्छा, इधर से निकलने का रास्ता है, फिर जाके वापस आना पड़ेगा। यहाँ से ज्यादा दूर है। एक छोटा सा स्क्रीन बीच में घूम फिर के जा रहा है और एक लड़का मेरे जैसा वीडियो बना रहा है। थोड़ा सा मेंटेनेंस होती है, ये देखिए। अपोजिट साइड में निकलने का कुछ रास्ता नहीं है यहाँ पे। चलते हैं, एक दूर से बड़ा सा गौतम बुद्धा का मूर्ति दिखाई दिया, उसको एक्सप्लोर करके आते हैं। ये बहुत बड़े बड़े हैं। ये है गौतम बुद्धा की, गौतम बुद्धा की ये मूर्ति के जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो थोड़ा अलग है और उसका डायमेंशंस भी अलग है। मैं आगे जाता हूँ, अच्छा होता यहाँ से कहीं निकल जाने की रास्ता होता तो निकल सकते हैं कि नहीं। मुझे लगता है निकल जाएंगे। इस रास्ते से आए थे, गौतम बुद्धा की मूर्ति के साइड से मुझे रास्ते का एक टूटा हुआ जगह मिला जहाँ से हम मेन रोड के करीब आ गए। पता नहीं यहाँ से निकल पाएंगे, ये दूसरा किसी का बंगला है। यहाँ से निकल के ये छोटा सा अंदर एक वाल था, उसको जंप करके मैं अंदर में आ गया। देख के लगता है कोई यहाँ पे रहता नहीं है बहुत सालों से। उसके अंदर से हमें बाहर निकलने की जगह मिली। तो ये है सागर एनक्लेव और इसके अंदर से आप ओशो का गार्डन जा सकेंगे। ये कोरेगांव पार्क का मेन रोड में आ गया। ओशो गार्डन के पीछे के पोर्शन में थोड़ा सा टूटा हुआ जगह से मैं मेन रोड पे आ गया। वहाँ पे एक बात थी कि एक छोटा सा स्ट्रीम था, उसका राइट लेना है लेफ्ट लेना है। तो मैंने जस्ट तुक्के में राइट ले लिया तो वहाँ से मिला। लेफ्ट में आता तो यहाँ पे एक भी ओपनिंग नहीं है, मैं नहीं आ पाता था, मुझे पूरा वापस जाना पड़ता। किसी भी तरीके का जाना आना पॉसिबल नहीं है अगर अपना गाड़ी ना हो तो। टोटल स्ट्राइक, ऑटो, ओला उबेर भी मुझे नहीं होता क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं है। पता नहीं रास्ता भी किस तरफ है। ऐसे ही अचानक ओशो जी की कृपा से भाई साहब आ गए। वो उन्होंने पहले क्राउन प्लाजा होटल तक राजी हो गए और वो जो मैं गाड़ी में आया था उससे आधा प्राइस में 150। आज मेरा पूरा दर्शन होगा लग रहा है, बहुत खूब।